नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया। उद्यान महाविद्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया। छात्र विशाल कुमार ने कहा कि उद्यान को कोटी वन में शामिल किया जाए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी की जो भी अभी बहाली आई है, जिसमें उद्यान स्नातक को कहीं पर रखा नहीं गया है, मांग है कि कोटी वन में उद्यान स्नातक को शामिल किया जाए और जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी की बहाली आई है उसमें शामिल किया जाए। तो लगभग 2006 में स्थापना हुई, 2007 से ये कॉलेज सुचारू रूप से चालू है। आप कब पास आउट हुई? मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? लवली रानी। आप ये स्ट्राइक कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमारी बिहार सरकार से बस इतनी ही मांग है कि हमें नामांकन के समय भ्रमित करके इस कॉलेज में एडमिशन कराया गया कि बीएससी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों इक्विवेलेंट हैं, लेकिन हमारा भविष्य अभी अंधकार में है। जो भी रिक्तियां आ रही हैं उसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले तो एलिजिबल हैं लेकिन हॉर्टिकल्चर वाले नहीं हैं। तो हम अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हम नालंदा उद्यान महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं इस नालंदा उद्यान महाविद्यालय के प्रांगण में यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका एक ही मांग है कि उद्यान को कोटी वन में शामिल करना है। कोटी वन जो कृषि प्रखंड कृषि पदाधिकारी का जो अभी बहाली आया है, जिसमें उद्यान स्नातक को कहीं पे रखा नहीं गया है, तो हम लोग का बस एक ही मांग है कि कोटी वन में उद्यान स्नातक को शामिल किया जाए और प्रखंड कृषि पदाधिकारी का जो बहाली आया है उसमें हम लोग को भी शामिल किया जाए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी का उसमें हम लोग को भी शामिल किया जाए। हम सभी छात्र छात्राओं का यही मांग है कि कोटी वन में शामिल किया जाए और हम लोग को भी प्रखंड कृषि पदाधिकारी के बहाली